हाँ, ताकि आपको मिल जाए सब। ये जो मैक्स पूपा वॉक फॉर हेल्थ है, बहुत ही उमदा इनिशिएटिव है और मुझे बहुत खुशी हुई जब आके मुझे बताया गया है कि ये करने का प्लान था। और अगर मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं हमेशा से बिलीव करती आई हूँ कि हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बॉडी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छी बॉडी होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई जस्ट हैव कम टू प्रोपगेट दैट थॉट। एंड वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट वे टू कीप फिट, टू बॉन्ड विद द फैमिली, और यही मेरी सोच है और मैं करती हूँ अपने फैमिली के साथ, तो क्यों ना सब लोग करें। जी आई थिंक एवरी वन हैज अ राइट टू बी फिट, नॉट जस्ट द टाउन पीपल, इवन द सबर्ब्स। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरफ किया गया है काफी टाइम के बाद। और पिछले साल कुछ 16,000 एनरोलमेंट हुई, इस बार 20,000 से ऊपर एनरोलमेंट किए गए। तो आई रियली थिंक दैट ये जो अवेयरनेस है बढ़ रही है और यू नो इट हैज टू बी प्रमोटेड ऑल्सो। डिसिप्लिन, मेरी जिंदगी का असूल बस यही है कि मैं डिसिप्लिन के साथ जीऊं। जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना हो डिसिप्लिन के साथ पॉसिबल नहीं हो, डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं लोगों को कि अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यू विल बी फिटर एंड यू विल फील हेल्दियर। सो एंड इफ यू आर हेल्दी यू विल बी हैप्पी। आप बताइए, आपको लगा कि किसी को इम्पैक्ट पड़ा आज? आई डोंट नो, मैं अच्छे मन से करती हूँ, यही सोच के कि हम बहुत सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, वो ऑब्वियसली यू नो दोस ब्रांड्स दैट वी एंडोर्स, जब हम लेवरेज करते हैं अपने नाम को तो ऑब्वियसली पीपल गेट स्टर्ड इन दैट डायरेक्शन। तो क्यों ना एक ऐसे इवेंट के लिए जहाँ पे हेल्थ का सवाल हो, अगर लोगों को लगता है कि मैं करती हूँ तो क्यों ना वो भी करें। That's that. नो डेफिनेटली आई थिंक हेल्दी होने के लिए एक अच्छा डाइट का होना बहुत जरूरी है। डाइट के बारे में आपको बहुत जल्द पता चलेगा, मैं एक बुक लिख रही हूँ, तो दैट शुड बी रिलीजिंग अर्ली नेक्स्ट ईयर। और मैं बहुत पैशनेट हूँ हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके, तो मेरी ये तमन्ना थी कि, और बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी क्यों ना आप कुछ लिखो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ और काम जारी है। योगा, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू ब्रीथ राइट, यू हैव टू ब्रीथ राइट। लोग ब्रीदिंग करना भूल गए हैं, पता है, हम लोग बस भाग रहे हैं, ये अचीव करेंगे वो अचीव करेंगे, वी फॉरगॉटन हाउ टू ब्रीथ। तो बस 10 मिनट दिन में आप निकालो, बैठो, ब्रीथ करिए ओपन एयर में, अपने एसी कैबिन में नहीं, ओपन एयर में बस थोड़ा सा ब्रीथ करिए। हम सब मुश्किल दौर से गुजरते हैं, बहुत टेंशन्स होती है हमारी जिंदगी में, तो ट्राई दिस, जब आपको लगता है बहुत ज्यादा टेंस्ड है जस्ट गो आउट, टेक अ वॉक क्लोज बाय एंड जस्ट ब्रीथ, डू इट 10 टाइम्स।